तो अभी दोस्तों माशाल्लाह सेम है मंडे बाउद्दीन, ये वतन कॉरपोरेशन पे जो है ना टाइल्स जो लगनी है माशाल्लाह, हमारे जो हौजी हैं गैप जहाँ पर पानी पियेंगे ना वहाँ पर, तो वो टाइल्स पसंद करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं माशाल्लाह से। और पाइप भी आपको बताया था, अभी पाइप माशाल्लाह आज लेने के लिए आ गए, जो हौजियों में कनेक्शन जिनका होना ना वो भी आए हुए देखने के लिए। ये देखो माशाल्लाह हर किस्म का सामान पड़ा हुआ है, तो पसंद कर रहे हैं कुछ जो टाइलें पसंद आती हैं इंशाल्लाह वो उठा के ले जाएंगे। एक टाइल जो है वो 12x24 चाहिए, दूसरी जो 20x10 हो जाए 12 हो जाए, ये दो जो है ना हमें चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है जनाब प्यारे दोस्तों का, उम्मीद है माशाल्लाह आप सारे खुश रहते होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको दे सेहत तंदरुस्ती, आपस में डेरा उल्फत, और माह रमज़ान के सारे रोज़े और सलात तरावी बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और पांचों नमाजें भी करते हैं। कब लोग शुरू, ये देखे पीछे माशाल्लाह से भाई सैफुल्लाह जो है ना जोड़ी वाले वो भी आए हुए हैं, और भाई असलम ये जो पाइप लाइन जो पढ़नी है ना ओजियों वाली, और जो शावर चल रहे हैं उनके जो पाइप पढ़ने हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, तो उनकी कुछ फरमाइशें ले रहे हैं। और आपने कमेंट करके बताना है कि ये जो पाइप है ना, ये कह रहे हैं कि बत्ती का डालना है, ये बत्ती का ठीक रहेगा या इससे कोई बड़ा या कि छोटा, ये बत्ती का पाइप जो है ना ये डाल रहे हैं, कितना फैसला बना है? 150 हो ओजी से, ओजी जो है ना 140 फुट बना, 300 फुट हो गया। तो अभी ये सारे पाइप शाइप गिन रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह उसके बाद फिर ले आएंगे और ये दबा देंगे। तो ये अभी जनाब माशाल्लाह से इसी कर रहे हैं कि कितने जो पाइप हमारे बिछेंगे परसों इंशाल्लाह, ये जो काम है ना पाइप लाइन वाला ये क्लियर हो जाएगा, फिर आगे इनका भी काम भी इंशाल्लाह आराम आराम से चलता जाएगा। अभी तकरीबन कितने 100 फुट बने भाई साफुल्ला? 350 फुट जो है ना सारा बत्ती दे पौना ना, 350 फुट जो गेट वाल, क्योंकि सारा पानी बहुत ज्यादा चाहिए होगा हमें शावरिंग के लिए भी। ओजियाँ और ये जो फर्श सामने 14 फुट ये गली है, साथ यहाँ पे मिट्टू चल रहा है 14 फुट वो गली है, ये ऊपर से पानी छोड़ते हैं ऐसे जिसको वापर लोहे के बने हुए होते हैं, तो वो उनके साथ सफाई होगी, पानी सीधा ये सामने वाला जो स्टल वाला टूटा है इसमें चला जाएगा, कोई और सा इधर बना देंगे ताकि आराम से पानी इजीली यहाँ पे समा जाएगा, उसके बाद फिर देखी जाएगी फसलों को जैसा लगाना है सिस्टम बन जाएगा। इधर भाई मोहम्मद मीर भी जनाब रद्दे पे रद्दा लगाया जा रहा है माशाल्लाह से, और जनाब सैफुल्लाह सनाउल्लाह भाई जो है इनको मसाला और ईंटे वगैरह जो सप्लाई कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो अभी दोस्तों माशाल्लाह से मैं वर्द के पास सैफुल्लाह भाई जो है जो कमर्शियल लेके माशाल्लाह से निकल गए हैं, अभी हो सकता है आज चक्कर लग जाएगा, तो इंशाल्लाह आज लेंगे सामान, क्योंकि परसों ने कहा कि इंशाल्लाह लाजमी पाइप दबा के देने हैं। तो वर्द के लिए जो है जारा लेके आ रहे हैं अपना बिलाल भाई, तो आज जनाब इधर हो गई बारिश, इसी वजह से जनाब कैसर जुगेरा साहब भी आज छुट्टी पे हैं, तो इसका बाकी को सामान दिया हुआ था वहाँ पर बनने के लिए, जो सामने सीने पर डालते हैं ना वो बड़े प्यारे सी होती हैं, वो जाल रहे सी जान रहे सी वो आओ जिते पर बनना, तो अभी शाम को इसको इधर बांध देते हैं, तो अभी इसकी जगह चेंज करनी है पल्ली साइड पे, तूड़ी और स्टाला मिक्स करके ऊपर चोकर वगैरह डाल देते हैं, बिलाल भाई चारा लेके आ गए इसका, तो फिर इसको इंशाल्लाह उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो इसके जो मेले शेले उनको मेले बोलते हैं वो, और जो गोडे पे बांधते हैं फूमड़ से वो माशाल्लाह बड़े खूबसूरत जो है ना वो लाल कलर में मंगवाए हैं, वो भी शायद कल वो कह रहे हैं कि मैं लेके आऊँगा, तो उससे माशाल्लाह इसकी मजीद खूबसूरती हो जाएगी। अभी यार काफ़ी गंदा हुआ पड़ा ये देखें, नुकरे रंग का यही दरोड़ा है ये यार, आपको कमेंट करके ऐसा तरीका बताएं कि जिससे घोड़ा गंदा ना हो, ऐसा तरीका आप बताएं कि क्या इसको करें, नीचे रेत वगैरह भी डाली हुई लेकिन फिर भी पिछाड़ियाँ इसकी सख्त करें, क्या करें क्या, ये भी कोई मशवरा अच्छा सा दें। तो ये चारा वगैरह डाल रहे हैं भाई जान, तो उसके ऊपर चौकर डालते हैं, फिर जनाब बादशाह को खोल के इधर बांध देते हैं, बाकी जो बछड़ियाँ वगैरह इनको भी माशाल्लाह से चारा डाला हुआ है, ये भी माशाल्लाह पुरसकून तरीके से खा रही हैं। तो अभी दोस्तों माशाल्लाह सेम है मंडे बाउद्दीन, ये वतन कॉरपोरेशन पे जो है टाइल्स जो लगनी है माशाल्लाह, हमारे जो हौजी हैं गैप जहाँ पर पानी पियेंगे ना वहाँ पर, तो वो टाइल्स पसंद करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं माशाल्लाह से। और पाइप भी आपको बताया था, अभी पाइप माशाल्लाह आज लेने के लिए आ गए, जो हौजियों में कनेक्शन जिनका होना ना वो भी आए हुए हैं देखने के लिए। ये देखो माशाल्लाह हर किस्म का सामान पड़ा हुआ है, तो पसंद कर रहे हैं कुछ जो टाइलें पसंद आती हैं इंशाल्लाह वो उठा के ले जाएंगे। एक टाइल जो है वो 12x24 चाहिए, दूसरी जो 20x10 हो जाए 12 हो जाए, ये दो जो है ना हमें चाहिए अपने सिस्टम जो है ना कमैश जी है असलम भाई। तो रंग पसंद तकरीबन हो चुके हैं, फिर आपको दिखाएंगे जब वहाँ पे लेके जाएंगे, तो ये इंशाल्लाह इनसे रेट शेट फिक्स कराते हैं, पहले भी जो सारा सामान है ना मकानों का वाशरूम का सारा इनसे लेके गए हैं जनाब, तो अभी इंशाल्लाह फिर निकलते हैं, और भी थोड़े बहुत भी काम है वो मुका के, क्योंकि रोज़ा भी इंशाल्लाह नमाज़ भी पढ़नी है, रोज़ा जनाब
रस्ते में खुल जाने ना। वापसी नीचे मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह जाके फयाज भाई से बात कर लेते हैं और रेट मुका लेते हैं। तो भी दोस्तों चेरियन वाला स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से ना भाई से जनाब पकौड़े और समोसे ले रहे हैं जनाब माशाल्लाह सफ्तारी के लिए। भाई जान से माशाल्लाह 15 समोसे तो आधा किलो पकौड़े माशाल्लाह हमारे लिए काफ़ी हो जाएंगे। नोमी भाई भी इधर खड़े हुए हैं स्टैंड बाई, लेके निकलते हैं अभी इंशाल्लाह असर की नमाज पढ़नी है, लेट ना हो जाए। अरे यह हो गया सारा सामान, सारा ये जनाब सामान हमारा हो गया, खड़ा हो गया यार। ठीक है जनाब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अभी जनाब निकलते हैं पठान, अभी जनाब 85 ट्राली डाल के जा रहे हैं जनाब। अभी इंशाल्लाह सर तकरीबन जो है ना अफ्तारी का सामान कम्प्लीटली जो है ना ले लिया है, कुछ घर में चावल वगैरह बना रहे हैं माशाल्लाह। इतना ज़्यादा जो है ना इफ्तारी के बाद खाना भी नहीं चाहिए ना, कि बंदा तरावियाँ पढ़ने के बंदे गोश ना रहे। अभी एक दो छोटे मोटे और काम है करके निकलते हैं इंशाल्लाह। तो ये जनाब माशाल्लाह से भी इफ्तारी का सामान लेके मैं घर पहुँच चुका हूँ। अब्दुल्ला साहब जो सामान उठा लिया हुआ जा रहा पूरे बार के साथ, दायरे में गाड़ी खड़ी कर दी है देखे माशाल्लाह से, इधर से एंट्री मार रहा है घर की तरफ। अभी तकरीबन इफ्तारी में आधा मुन्ना घंटा बाकी रह गया, बच्चों के लिए कुछ चीज़ भी लेके आए हुए हैं, वो भी खा के ज़रा खुशमुश हो जाएंगे ना। काका आ जा, जैनब चीजी आंदी है। तो ये थी हमारी आज की पहली सी वीडियो, उम्मीद करता है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलता फिर आपसे इंशाल्लाह नई और प्यारी वीडियो में। वो काका भी आ गए, सारे ने क्या देनी चुप करो। तो अल्लाह पाक आपको दे सेहत तंदरुस्ती ढेर खुशी और पूरी इबादत आपको करने की माह रमजान की तौफीक अता फरमाए। ओके जनाब काका ने रोड़ा डाल दिया जनाब, ओके अल्लाह हाफिज दोस्तों, रोड़ा पड़ गया।